भगवान शंकराचार्य, एक बार काशी की गली में स्नान करके लौटते हुए अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। आपके शिष्य ऊंची आवाज में बोल के परे हटो, परे हटो, परे हटो, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। अब बनारस की वो गली छोटी थी, तंग थी, और एक जगह में आकर के वो क्या देखते हैं कि गली के बिल्कुल मध्य में एक बहुत हठीला गठीला मलेच चांडाल कुत्ते आवारा साथ में लेकर के खड़ा है। अब उसके वस्त्र बहुत गंदे हैं, खराब हैं, चांडाल है, जाति से नीच है, अपवित्र है, बीच रास्ते में खड़ा है। अब वो कह रहे परे हटो, परे हटो, वहीं खड़ा, परे नहीं हटता। अब वो है इतना चौड़ा और गली इतनी छोटी है कि तुम किनारे से भी चाहो तो निकल नहीं सको। तो नजदीक आके इनके शिष्य ते कह ही रहे थे, शंकराचार्य ने भी कहा परे हटो, निकलने दो। तो फिर वो चंडाल सिंह गर्जना करते हुए बोला, कहां से परे हटूं, देह से के माया से, मन से के पंचकोश से, कहां से परे हटूं। अब एक अशुद्ध दिखने वाले चंडाल के मुख से यह वेदांत के ज्ञान के सूत्र की बात को सुन के पहले तो सब सन्न के सन्न रह गए। कहां से पीछे हटूं? कहते हैं शंकराचार्य इस गरजती हुई खनकती हुई झन्नाटेदार आवाज को सुन के जैसे स्तब्ध होकर जाता है, या जैसे नींद में कोई और अचानक हिला के उसको चेतन कर दे, ऐसे ही जैसे उनको किसी ने हिला दिया है, स्तब्ध हो गए, अंतर तक हिल गए वो। वहीं एकाग्र हुए, क्योंकि ये आवाज कोई मामूली आवाज नहीं। एकाग्र हुए, चैतन्य हुए, होश में आए, और होश में आते ही वो देख पाए कि उनके सन्मुख चंडाल के भेष में काशी बनारस के अधिपति देव महादेव स्वयं ही खड़े हैं। बाकी सब शिष्य तो जैसे सकते में आ जाते हैं, जब उनने देखा शंकराचार्य तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको क्या दिख रहा है कि वो एक चंडाल के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और शंकराचार्य कौन है, उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्मे, संन्यास में भी कोटि होती है, उच्च कोटि की संन्यास में संन्यास तो हुए, देश भर में अपने शास्त्रार्थ की जो विजय यात्रा निकाली है, वहां अच्छे अच्छे विद्वानों पंडितों महापंडितों आचार्यों को नतमस्तक करते हुए सब हार गए इनके सामने, सब नतमस्तक हो गए इनके आगे, इनकी विद्वता, इनकी बुद्धि, इनकी शैली, इनका बोलने का ढंग, इनका व्यक्तित्व ऐसा सुंदर अद्भुत। क्या देख रहे हैं कि वही शंकराचार्य जिनके मंडन मिश्र जैसे शिष्य हैं,
मंडन मिश्र उस समय के कर्मकांड के सबसे बड़े ज्ञाता विज्ञाता थे। और मंडन मिश्र अपनी पत्नी सहित इनके शिष्य हो गए थे। मंडन मिश्र को तो संन्यास दे दिया, इनकी स्त्री का क्या हुआ कुछ ज्यादा ठोस सबूत उसके इतिहास में नहीं मिलते। कोई कहते उसको भी संन्यास, कोई कहते वो ऐसे ही, पर गुमनाम सी जैसे हो गई। फिर और शंकराचार्य दंडवत, सिर्फ दंडवत ही नहीं कर रहे हैं, दंडवत करते करते शिव महिमना स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, शिव की महिमा के गीत गा रहे हैं। और फिर हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ करके देवादि देव महादेव की उपमा और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मुझसे चूक हुई, मुझसे भूल हुई। और ये चंडाल भेष में शंकर ने उस समय कहा, तू कहता है परे हट, परे हट, कहां से हटूं मैं। तू बात कर रहा है शिवो हम की, पर अभी भी तुझको कोई चंडाल, कोई अछूत, कोई नीच जाति का दिखता है, तभी कह रहा है ना परे हटो। जो देह से परे हट गया स्वयं, वो सब जातियों संज्ञाओं से ऊंचा उठ गया। तो जब तू देह से ऊपर उठ गया, देह के नाम उपनाम देह की जाति पहचान से ऊपर उठ गया, तो तेरे सामने जो खड़ा है तो वो क्या सिर्फ शरीर है क्या? वो भी उतना ही सच्चिदानंद नहीं है जितना तू खुद है? कि तेरे अंतर कोई और सच्चिदानंद आत्मा है और सामने वाले के कोई और सच्चिदानंद आत्मा, क्या दो आत्माएं हैं? महादेव टोक रहे, महादेव परीक्षा ले रहे, और शंकराचार्य एक समझदार, एक जागृत, एक विवेकी, एक अद्भुत प्रतिभा का धनी, एक महापुरुष, एक ज्ञानी, एक भक्त अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। जिसे हम चांडाल कहते हैं, जिसे हम नीच कह रहे, जिसे आप मलेच्छ कह रहे, किसने अधिकार दिया आपको ये कहने का? आज सुबह मैंने कहा चंद्रमा का प्रतिबिंब घड़े के पानी में आया तो हमको एक चंद्रमा आसमान में और एक चंद्रमा उस घड़े में दिखने लगा। अच्छा मान लो हम 10,000 घड़े रख दें तो कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे? अच्छा उससे चंद्रमा को कोई फर्क आ जाएगा, माने चंद्रमा थोड़ा घिस जाएगा? छोटे बर्तन में भी उतना ही चंद्रमा और बड़े बर्तन में उतना ही चंद्रमा और सरोवर में भी उतना ही चंद्रमा। ये नहीं कहेगा कि तू छोटे मुंह वाला घड़ा है तो तेरे में तो मैं आ नहीं सकता हूं, वहां भी उतना ही पूरा दिखता। घर में जब जाओगे ना तो ये प्रयोग कीजिएगा, हमारी बात पैसे ही भरोसा मत करना, बड़ा मजेदार प्रयोग है। मैं तो ऐसे ही करती थी, जो सूत्र पढ़ना, जो सूत्र सुनना, फिर वो सूत्र को प्रैक्टिकली देखना भी ये वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं। तो घर के कुछ बर्तन, छोटे बड़े बर्तन हो कि घड़ा हो, बात तो एक ही है, तो वो छोटे बड़े हर तरह के बर्तन घर की छत में रख के बैठ जाना, आओ पानी से भर लेना, पूर्णमासी की रात्रि हो तब तुम देखोगे कि हर बर्तन में चंद्रमा, हर बर्तन में चंद्रमा, हर बर्तन में चंद्रमा। कभी कभी जमीन पर पानी गिरा रह जाए और पानी इकट्ठा हो जाए, उसमें भी चंद्रमा। अब जब हम कहते हैं अवतार और जब हम कहते हैं एक साधारण जीव, इन दोनों में फर्क क्या है? एक बात बड़ी सूक्ष्म है पर समझनी बड़ी जरूरी है। तुम ईश्वर और ब्रह्म को एक ही जानते हो जबकि वो एक नहीं है।
ईश्वर है मायापति और ब्रह्म है माया से पार, इसलिए एक सुंदर नाम दिया पराब्रह्म। जीव क्या है, जैसे छोटे से घड़े में आया हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब, और जिसको हम कहते ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है माया में छलका हुआ, मतलब बहुत बड़े सरोवर में छलका हुआ चंद्रमा। सरोवर की क्षमता शक्ति बड़ी है, घड़े में आए हुए पानी की शक्ति तो कुछ भी नहीं है ना। कृष्ण राम ये सब कौन है, ये ईश्वर कोटि के हैं। माने इनको कभी अपना स्वरूप भूलता नहीं कि मूल रूप से हम ब्रह्म हैं। जीव की अकल ही ऐसी है, ये भूला ही रहता है। इसको तो जब तक कोई सदगुरु ज्ञान न कराए इन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जो ईश्वर कोटि है, तो इस अवतार की धारणा जो हिंदू धर्म की है, ये सारे ही अवतार एक ही ईश्वर के हैं ना। भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान्यम् स्वजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने को, अधर्म का नाश करने को मैं आता हूं, फिर लौट जाता हूं। राम जी आते हैं, लौट जाते हैं। तो क्या कहेंगे, ब्रह्म पैदा हुआ और ब्रह्म चला गया, ईश्वर आया ईश्वर गया। ईश्वर आने जाने का काम कर सकता है, ब्रह्म ना करे ये काम। ये भेद है, ये यू समझो। जब हम कहते हैं ना जीव, तो जीव है मन वाला। घड़े में जो पानी है, पानी थोड़ा है, घड़े की सीमा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर की भी सीमा है, और इस शरीर के अंतर जो मन है, ये मन की भी सीमा। तो इस सीमा वाले मन में छलके हुए को हमने कह दिया जीव, और ईश्वर है बड़ा माया वाला। तुम्हारे अंतर मन में जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण है वो थोड़े, ईश्वर बड़े सतोगुण वाला। तो ईश्वर की उपाधि से जुड़े हुए ब्रह्म को हमने कहा ईश्वर, और मन की उपाधि में छलके हुए ब्रह्म को हमने कहा है जीवात्मा। ये फर्क है। उपनिषद में भी बात आई, विवेक चूड़ामणि में भी बात आई, पंचदशीकार भी यही कहता है, और कृष्ण भगवान ने भी कहा कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक पक्षी का नाम जीव है, दूसरे पक्षी का नाम ईश्वर है। जीव कर्म करता है, ईश्वर कर्म के भोग को देता है। जीव अज्ञानी है, ईश्वर सदैव ज्ञानी है। जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसको ज्ञान कराने के लिए गुरु की जरूरत है, और ईश्वर सदैव ज्ञानी है। और राम चाहे कृष्ण हो, ये गुरु के पास जाने का ज्ञान लेने का सब नाटक चल रहा होता है। पर ये नाटक क्यों करते हैं, क्योंकि मनुष्य बने हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी। आ गए ना एक बार इस हड्डी मांस के शरीर में, तो फिर उसके तरह ही चलना पड़ेगा। ईश्वर कोटि में जो अवतार हुए, ऐसे ही ईश्वर कोटि के संत होते हैं। एक संत वो है जो गुरु के द्वारा साधना करने के बाद ज्ञान को पाता है, और कोई जन्मजात संत। सुखदेव मुनि जी जन्मजात संत हैं, अष्टावकर जी और तो और गर्भ में ही संत हैं, मां के गर्भ में थे, पिताजी बैठे वेद व्याकरण का अभ्यास कर रहे थे। अब संस्कृत में उच्चारण पे बहुत जोर देते, बहुत जोर देते। 12 साल लगते हैं तो संस्कृत की व्याकरण आती। मैंने नहीं 12 साल की व्याकरण पढ़ी ना। एक वो महात्मा से मेरे से, मैंने कहा बहुत दिल करता है, बचपन की बात में मैं सीखना चाहती,
वो आगे कहते जो बारहस्थल व्याकरण में धातुओं को संज्ञाओं को समझने में लगाएगी वही समय अपने आप को समझने में लगा दे, संस्कृत का मूल जो है तो उसको बर पकड़, भूल जा व्याकरण को। ठीक, अब मेरे सामने लिखा पड़ा है आत्मशतक, हम बोले जा रहे हैं आत्माष्टक। एक प्रेमी ने मैसेज भेजा है तो आत्मशतक है गुरु, मैं आत्माष्टक क्यों कह रहे, आठ और छह का अंतर मुझे भी मालूम, आठ और छह का अंतर क्या है, इतनी तो बुद्धि है। पर हमारी खोपड़ी कभी व्याकरणों में गई ही नहीं, और कभी कभी अपनी मस्ती में सब उल्टा सीधा भी कर देते, जब है ही उल्टे तो उल्टे ही काम करेंगे। पर अच्छा किया उनने स्मरण करा दिया, हाँ भाई ठीक है, शतक है, छह स्तोत्र हैं, तीन स्तोत्र इस शिविर के रखे हैं, तीन स्तोत्र अगले शिविर के लिए रखे हैं, और ये तीन स्तोत्र भी हम जल्दीबाजी में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मुझको जल्दीबाजी मतलब तुम्हारे लिए जल्दीबाजी हो रही, तुम हजम कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन हम तो भरे चले जा रहे हैं, कितनी बात पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ। अच्छा ये बात जब नहीं पकड़ पाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये अभिमान भी चूर हो जाएगा, जो तुमको ये लगने लग जाता है ना कि अब सब आ गया, तो जब सुनते हो ना पंचकोश तो खोपड़ी खुजाते हो, ये क्या आ गया, अब सप्त धातु अब वो क्या है। ज्ञान की इन बारीकियों में उतरने के लिए आवश्यकता है, ये बुद्धि का मंजन भी है। अब कुछ एक शिष्यों ने ये भी कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब उतरता जा रहा है भीतर, लेकिन अगर आप हमसे कहें कि शब्दों में उसको एक्सप्रेस करें कि क्या समझें, तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन भीतर कुछ उतरता जा रहा है, कुछ प्रस्फुटित होता जा रहा है। शब्द से भी कीमती शब्द का अर्थ है, शब्द से भी कीमती शब्द का अर्थ है। अब विद्वान किसको कहते हैं, जो शब्द और शब्द के उच्चारण को पकड़ता है। ज्ञानी किसको कहते हैं, जो शब्द के अर्थ को पकड़ता है। अष्टावक्र जी अपने मां के गर्भ में थे, पिताजी वेद व्याकरण का अभ्यास कर रहे थे और उच्चारण एक श्लोक का गलत कर दिया, तो गर्भ ही से ये शिशु बोल के कहता है पिता इसका उच्चारण आप ठीक नहीं कर रहे हो। बताओ ऐसे को किस गुरु की जरूरत, और अष्टावक्र के कोई गुरु रहे हो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, संपर्क में आए होंगे। पिता ने क्रोधित होकर के कथा कहती है, कहा कि तू इतना उदंडी, गर्भ से ही पिता की गलती का एहसास करा रहा है, जा तेरे अष्टवक्र हो जाएं। और जब जन्म हुआ तो इनके शरीर में आठ बल पड़ते थे, माने डिसफॉर्म्ड बॉडी। पिता विद्वान हैं, पिता विद्वान हैं, लेकिन पिता तत्वज्ञानी नहीं है, और पुत्र इनका जन्म से ही तत्वज्ञानी। तो ऐसे जो संत कोटि के गुरु पर दिखते हैं, उन्हें साधना से गुजरने की, मतलब यूं समझो बीज, बीज से ही वो गुलाब हैं, तो छोटे हैं तो भी गुलाब हैं, पौधे में खिल जाएं तो भी गुलाब हैं, गुलाब होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मैं गाया करती हूँ ना भजन, मेरे सदगुरु दीनदयाल काग से हंस बनाते हैं कि सोया मनुआ जगाते हैं, ये हुई जीव कोटि की बात, पर एक कोटि ऐसी है कि वो पहले से ही हंस थे। हंस को हंस नहीं बनाया जा सकता, हंस तो हंस ही। इस शरीर की मां का कहना है कि तीन वर्ष का यह शरीर होगा, गोद में उठाए हुए मां किसी सत्संग में गई
वहाँ एक महात्मा जिनका नाम स्वामी कृष्णानंद जी था, वो वहाँ पर सत्संग करने आए थे और वो कृष्ण भक्त थे और खूब गाते और खूब नाचते थे। तो माता ने मुझको ये बात बताई कि जब उस सत्संग में मैं उनको पहली बार सुनने और दर्शन करने गई हूँ और वो सत्संग करते हुए नाचते थे, तो इसे लोगों के बीच बीच में वो लोग रास्ता बनाते जाते थे उनके लिए, वो नाचते रहते थे कृष्ण नाम गाते गाते, वो नाचते और बोले ऐसे नाचते 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 मेरे पास आए और तुमको गोद से उठा लिया। तो मैं तो डर गई कि अरे बाबा मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन रहा है, उठा लिया और गले से लगाया और वापस दे दी। और इतने प्यार से, पहले तो डर गई कि क्यों ले लिया, माँ है ना, तो वापस दे दिया। जब वापस दे दिया तो लगा कि तो महात्मा बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे को प्यार किए। पहले डर गई फिर कहती महात्मा अच्छे। फिर उनके पास कहती आना जाना लगा रहा, जब भी वो आते तो आते ही पूछते कि ओ माता को बुलाओ, उसको मालूम है मैं आया हूं, और उसको कहना अपनी बच्चे को लेके आए। फिर जब यह शरीर कोई 22 साल का हुआ, 21 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, छोड़ दिया कह दो भाग गए थे, जो मर्जी समझ लो, भाग ही गए। बाद में चिट्ठी लिखी, झूठ बोल के गए थे आ जाएंगे, नहीं आई वापस। 22वें साल में हिमाचल प्रदेश में घूमते घामते, वो मेरे क्या कहते भ्रमण के दिन थे, वो तीर्थों पे जहाँ मौज आई वहाँ वहीं बैठ गए। तो मौज आई सोलन पहुँच गए, वहाँ हरि बाबा जी के मंदिर में ऐसे ही किसी ने कहा मोनी बाबा, मालूम था उनका दर्शन करने गई। गई रुकी तो किसी और आश्रम में थी, गई तो मिलते ही पूछते हैं कि यहीं रुकी हूँ ना, दूसरे आश्रम में जान न पहचान, और मैं उनकी जबरदस्ती की बना ली गई मेहमान, वहीं पकड़ कर बैठा लिया। एक चेले को भेजा, जाओ इनका सामान वहां से उठा के ले आओ, यहीं रहोगे अब। उनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रही थी और तीसरे दिन की बात है, वहाँ मंच पर मैं बैठी थी किनारे में, एक बिल्कुल किनारे में, क्योंकि साधु वेश तो बाहर से कोई था नहीं। अब सफ़ेद कपड़े तो कई जोने पर पहन के घूमते रहते, क्या कोई कमी। और इतने में वही स्वामी कृष्णानंद मंच में आके बैठ गए, पास में गई, नमो नारायण नमो नारायण, मुस्कुराते बड़े प्यारे से, सफेद लंबी दाढ़ी उनकी, खुले हुए बाल, एकदम सफेद रंग, लाल चेहरा, बड़े प्यारे से भगवे वस्त्र। मैंने कहा पहचाना, कहते क्या हम पहले मिल चुके हैं, हाँ दो बार, वो कब। फिर जब बताया मैंने कहा शीला, कहते हाँ उसके घर में दो बार मिले हो ना, तो बोले उसके घर तो मुझको गए कम से कम 10 साल हो गए, उम्र खप गई, फिर हम गए ही कोई नहीं। अच्छा जब जिंदा थी तब तो आए थे, तब वहीं मिले थे, तो अब वो मेरी शक्ल देखे कि ये पुरानी बात कर रही है, तो जबकि ये बात कर रही तब की, तो बच्चा होनी चाहिए, तो अब वो लगे याद करने कि किसका बच्चा थी तू। फिर जब बतलाया तो वो देखने लायक, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, तो गले लगा लिया। बोले तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुमको युवा भी मैं देखूंगा, मुझको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पुराने परिचय बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता है, वो पुराना परिचय दिल से दिल को आकर्षित कर लेता, निकटता महसूस करता है, नजदीकी महसूस करता है, प्यार महसूस करता है। दूसरी सांसारिक रिश्तों में स्वार्थ होता है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुषों में, आध्यात्मिक स्त्रियों में जब परस्पर प्रेम होता है तो वो प्रेम बिल्कुल स्वार्थ के विहीन होता है।
बिल्कुल स्वार्थ के बगैर, इसलिए वो इतना निष्कपट और इतना शीशे जैसा उज्जवल और साफ और निर्मल प्रेम होता है कि जब ऐसे दो प्रेमी संत आपस में मिलते हैं या मिल रहे हों तो वो दृश्य तो बस किस उपमा में ला के खड़ा करूं कि वो कैसा होता है। स्वयं अमान रह करके एक दूसरे को मान देते रहेंगे, स्वयं आनंद में हिलोरे ले रहे हैं, दूसरे को भी उसी हिलोरों में अपने साथ खींचते चले जाएंगे। मेरे इस बचपन की यात्रा में जब तक अधीन थी माँ पिता के, जब तक व्यसक नहीं हुई थी, कम से कम नहीं चार महात्मा ऐसे आए जिन चार महात्माओं ने कहा तू तो हमारी ही हो जा, मां से कहें इसको हमें दे दो, कभी पिता से कहें हमको इसको दे दो। अब मेरा सबसे प्रेम रहा, कहीं के साथ ज्यादा उठना बैठना, कहीं के साथ थोड़ा कम। अब जिनसे संन्यास लिया है, संन्यास गुरु जो मेरे हैं, उनसे मेरी कुल छह मुलाकातें हैं, और छह मुलाकातों को अगर मैं टोटल करूं तो शायद 6 घंटे की भी मुलाकातें नहीं, नॉट इवन 6 आवर्स। परंतु अपनी चौथी मुलाकात में जब मैंने कहा कि मेरी संन्यास की इच्छा है, तो उन्होंने एक क्षण की देर किए बिना कहा अभी ले। मां अभी कहां से लूं, अभी तो मेरे पास भगवे कपड़े ही कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी मिली। और उनके लिए प्रसिद्ध यह था कि ये कितने देर तक अच्छे अच्छे उनके पुराने पुराने शिष्य तो उनके गले से नहीं उतरती थी, वो मान नहीं पा रहे थे कि महाराज जी एक इनको या किसी भी स्त्री को संन्यास दे सकते हैं। अब गुरु नानक देव जी महाराज का अगर तुम कहो गुरु कौन, कोई गुरु नहीं, जन्म से ही। कपिल मुनि जी कौन गुरु थे, जन्म से ही अपनी मां देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दे रहे। तो ईश्वर कोटि और जीव कोटि, ईश्वर कोटि और जीव कोटि, ये दो है। यूं हम कह सकते हैं जीव आत्मा और ईश्वर और ब्रह्म। जीव और ईश्वर का भेद है, उपाधियां है ना, वो छोटा है वो बड़ा है, वो ज्ञानी है ईश्वर, जीव अज्ञानी है, उपाधियों का भेद है। जैसे छोटा घड़ा और बहुत बड़ा सरोवर, पर दोनों में चंद्रमा तो एक ही है, चंद्रमा में तो कोई भेद नहीं, चंद्रमा में कोई प्रतिबिंब एक सा। अच्छा, घड़ा फूट गया, पानी पृथ्वी में समा गया, प्रतिबिंब कहां गया? ये सब क्या बोले ना, लेबोरेटरी के प्रयोग घर में जाके करना, घड़ा खरीदना, पानी से भरना, चांद देखना। अरे मुस्लिम तो देखते ही हैं ईद को चांद, तुम भी देखो, वो ऊपर वाला देखते हैं तुम नीचे वाला देखो, वो बिंब देखते तुम प्रतिबिंब देखो। कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं में आया, एक दिन चंद्रमा देख करके मचल उठे, चांद ही लूंगा, चांद लेके दे। अब यशोदा के बस में कोई जमीन की चीज होती तो वो ला के दे, चंद्रमा कहां से ला के दे। आ कृष्ण रोए चले जाए, पैर पटकते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, सब बच्चे एक से, कृष्ण कोई अलग बच्चे। नंद बाबा घर लौटते हैं, पूछते हैं क्यों रो रहा है इतना, ये बोले रो रहा है देखो किधर, चांद दो। अब चांद में कहां से लाके दो, पहले तो नंद बाबा परेशान हुए। अब स्त्री भाव प्रदान है, पुरुष बुद्धि प्रदान है, नंद बाबा जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, एक बड़ी सी परात में पानी भरा, आंगन में रखा, चंद्रमा आ गया घर के आंगन में। तो जब बाल कृष्ण को वो दिखाया तो वो खुश हो गया, रोना बंद हो गया, पर घुटनों के बल रेंगते रेंगते जाके जब उस प्रतिबिंब चांद को पकड़ना चाहा
पानी हिल गया, प्रतिबिंब छिन्न भिन्न हो गया, फिर रोना चालू हो गया, चंद्रमा लूंगा कहां गया। अब जब तलक पानी ठहर नहीं जाएगा तब तलक कैसे चंद्रमा दिखेगा। तो जीव और ईश्वर, जीव कोटि और ईश्वर कोटि, जितने अवतार हैं ये ईश्वर कोटि के, सनक सनंदन सनातन, देव ऋषि नारद, याज्ञवल्क्य, ये सब ईश्वर कोटि के, वेदव्यास जी ईश्वर कोटि के। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन ईश्वर कोटि का है कौन नहीं। शास्त्र में जिनका लेख है हम तो उनकी बात कर रहे हैं ना अभी। अब जैसे प्रहलाद ईश्वर कोटि के हैं, अब ईश्वर की कोटि में भक्त रूप से भी पैदा हो सकता है, संत रूप से भी पैदा हो सकता है और अवतार का रूप से भी पैदा हो सकता है, तीनों रूप से। क्यों? ये आजादी ईश्वर के पास है क्योंकि वो मायापति। पर जीव के पास ऐसी कोई आजादी, जीव बंधा हुआ, जो कर्म करे वो फल भोगे, बुरा करे बुरा भोगे, अच्छा करे अच्छा भोगे। फल प्रदान कौन करता है? वो कहते ईश्वर फल प्रदान करता है, पर ईश्वर बिल्कुल असंग रहते हैं। वो कहते बच्चे जो करोगे सो भरोगे, अब उसमें हम क्या करें। लेकिन जो जीव ईश्वर की चरणार शरण में आया तो प्रेम की इस शक्ति के बलबूते से जीव में कर्म के भोग को भोगने की शक्ति आ जाती, धैर्य आ जाता। समझ रहे हो जो कह रहे हैं? जैसे गुरु नानक के लिए कथन आया, मिटी तुंद जग चानन हुआ, सतगुर नानक परगटया। प्रगट हुए गुरु नानक, ये नहीं कह रहे जन्म हुआ, जबकि जन्म हुआ, पर हम क्या कहते प्रगटे हैं। क्यों? ईश्वर प्रगटता है। राम के लिए नहीं कहा कि राम का जन्म हुआ, क्या कहा? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए। क्योंकि जिसका आना और जाना उसकी अपनी स्व इच्छा पर निर्भर हो उसी को ईश्वर का आना चाहे आवे, ना आना चाहे ना आवे। ज्ञानी संत के पास ये आजादी है, चाहे तो जन्म ले, न चाहे न ले, चाहे तो सैकड़ों जन्म ले। क्यों ले? करुणा से, शिष्य के कल्याण के लिए, जगत को जीव को इस अज्ञान की नींद से उठाने के लिए। पहले तो साधना से स्वयं को जाना, मैं कौन हूं ये पहचाना, देह से परे, मन बुद्धि से परे, पंचकोश से परे। पंचकोश कौन से? अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंदमय कोश, इन पांच कोश से अतीत हूं मैं। ये पांच कोश को समझना हो तो थोड़ा और आसान मैं कर दूं। प्याज देख, प्याज या कांधा, अनियन। अब प्याज क्या है? इट्स जस्ट लेयर्स, सिर्फ तह है। तुम बाहर की तह खोलो तो अंदर एक और तह, वो तह खोलो अंदर एक और तह, वो तह खोलो उसके अंदर तह, खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए, अंदर कुछ भी नहीं निकलता। बात समझे? ऐसे ही ये पंचकोश मुझ जीवात्मा, अगर जीवो हम की बात करें तो मुझ जीवात्मा के ये बाहरी तीन पर्दे, और अगर मैं आत्म रूप से कहूं तो पांच पर्दे, पांच कोश तब होते। मुझ आत्मदेव के ये पांच पर्दे हैं। बाहरला पर्दा है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय अंदर का, फिर तीसरा मनोमय, फिर चौथा विज्ञानमय, फिर पांचवा आनंदमय कोश। प्याज को तो
एक एक लेयर निकालते गए तो अंदर कुछ नहीं मिलता, पर जब इन कोषों से तुम हटते जाते हो तभी तुम स्वयं अपने आप को ढूंढ पाते हो। और जिसने स्वयं को ढूंढा उसी ने इसी स्वाह में ब्रह्म को पाया। कैसे मिला? आज सुबह मैं बहुत विस्तार दे चुकी हूं कि भक्ति मार्ग सारा जीवो हम पे चलता और तत्व ज्ञान सारा शिवो हम पर चलता, आत्मो हम पे चलता। सीधे शिव हम की समझ ना आती हो तो आत्मा, देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा। आत्मा माने वो जो सफेद साड़ी पहन के घूमती है ना, जिसके पैर उल्टे होते हैं, जो मोमबत्ती हाथ में लेके रात के 12 बजे, टाइम फिक्स है भाई, 12 बजे। इतना अज्ञान है लोगों को इस विषय में। आत्मा मतलब भटकती हुई आत्मा, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, जिसके भयंकर भयंकर शकल है, खुले हुए बाल हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात, जहां बात करो ना आत्मा, तहां आदमी नहीं कहेंगे, तहां औरत बोल देंगे। क्यों, आदमी भूत नहीं बनते? ये सारा भूत बनने का काम क्या औरतों का है? तुम देख लो, 100 में से 95% जो हॉरर स्टोरीज होंगी, जो गोस्ट स्टोरीज होंगी, उनमें गोस्ट हमेशा औरत बनाएंगे। ये बड़ी गलत बात है भाई। जितना शैतान आदमी है उतनी औरत हो सकती है, जितना नीच प्रकृति का एक पुरुष हो सकता है उतनी ही एक स्त्री हो सकती है। इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वैसे शरीर के भेद हैं। अब जिसको हम कहते हैं ना भूत, घोस्ट, वो है क्या? वो सूक्ष्म शरीर है। क्या है वो? सूक्ष्म शरीर है, बिना बाहरी स्थूल शरीर के, बिना बाहरी अन्नमय कोष के, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय कोष, इसको बोलते भूत। सच तो ये है, एक शरीर छूट गया, जब तक दूसरा नहीं मिला सभी भूत होते हैं। पर फर्क कितना है, कोई होली घोस्ट होते हैं, कोई खाली घोस्ट होते हैं। क्रिश्चियनिटी मानती ना होली घोस्ट, वो ईश्वर को होली घोस्ट कहते हैं। इतने बार मौत आई पर तुम ऐसे बेशरम हो, मरते ही नहीं हो। मौत कितने बार आई? भगवान बुद्ध ने अपने 10,000 जन्मों का जिक्र किया, 10,000 लाइव्स। जातक कथाओं में उन्होंने अपने 10,000 जन्मों का विवरण दिया है। इस ग्राम, इस शहर, इस देश में मैं पैदा हुआ था, यहां तक कि मानव होने से पहले पंछी के रूप से, पशु के रूप से, वृक्ष के रूप से भी जो जन्म हुए हैं उन्होंने उसका भी जिक्र किया। जन्म हुए शरीर मरा, जन्म हुए शरीर मरा, जन्म हुए फिर मरा, जन्म हुए फिर मरा। कितने बार मर मर के भी तुम नहीं मरते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है अजर, अमर, अविनाशी। अब जब गीता पढ़ोगे ना आनंद आएगा। अब जब देखोगे ना दूसरा अध्याय उठा करके, आनंद आएगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मर जाने पर जो नहीं मरता है ऐसा अजो, अज, अविनाशी, शाश्वत रूप स्वरूप है मेरा। मौत छू नहीं सकती। तुम अपने आप को देह मानोगे, सारी पाप की गुंडी यहीं पे है, सारे दुख की जड़ यहीं पे है। जहां देहो हमसे छूटे, जीव हम तक भी आ जाओ ना, तब भी बहुत बेफिक्री हो जाती। क्यों? जीव कहता है मेरा संबंध तो बस ईश्वर से है, बाकी सब भूलभाल जाता है। अब ईश्वर जिस हाल में रखे, वही जन्म मरण प्रदान किया ईश्वर ने, अब जिस हाल में रखे बढ़िया, राजी।
तेरा शरीर तेरा जगत तेरा संसार हम तेरे तुम हमारे जैसे चाहो रखो जीवो हम के भाव में भी बड़ा सुख है बड़ी मौज। पर धन्य भागी है कोई जो आत्मो हम के भाव तक पहुंचता है, और जो आत्मो हम के भाव तक पहुंच गया उसके तो आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए अब ये चुनाव आपको है कि आप किस सीढ़ी पे रहना चाहते, देह तक रहना चाहते कि जीव तक रहना चाहते हैं कि शिवो हम तक पहुंचना चाहते हैं। भाई सदगुरु का काम है ज्ञान देना, चलना ना चलना चेले का काम, चलना ना चलना श्रोता का काम, चलना ना चलना शिष्य का काम। तो ये शंकराचार्य के स्तोत्र को लेने का कारण यही था। अरे मालूम तो हो तुमको कि तुम्हारा असल स्वरूप है क्या। इन छह स्तोत्रों को इसीलिए उठाया। एक सज्जन का पत्र आया, वो कहते आज से 2000 साल पूर्व जब शंकराचार्य ने ये सब लिखा तब भी सब ओर उनकी ये प्रतिभा वाह वाह आनंद धन्य धन्यता हो गई थी, और आज 2000 पूर्व जब दोबारा के बाद जब हम दोबारा इस आत्मशतक को सुन रहे हैं तो सुन सुन के हम भी गदगद होते जा रहे हैं, धन्य धन्यता का भाव होता जा रहा है। साधारण कथाकार कहानी कहेगा, कहानियां सुन सुन के तुमको अच्छा भी लगता है, पर ये तो कथा न राम की है न कृष्ण की है न विष्णु की है न शिव की है, ये कथा तो तुम्हारी है, तुम्ही को समर्पित, तुम्हारा ही गुणगान कर रहे हैं यहां बैठ करके, तुम्हारा ये तुम्हारा रूप स्वरूप तुम भूल गए हो, तुम्ही को याद करा रहे। क्यों हो गई विस्मृति? भाई जीव है ना, जीव का काम ही है भूलना, तो उसकी आदत के अनुसार वो भूल गया। जीव की उपाधि में अविद्या लगी है, ईश्वर की उपाधि में माया लगी, वहां हमेशा ही ज्ञान यहां हमेशा ही अज्ञान, इसलिए जीव को तो मेहनत करनी पड़ती है, ईश्वर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं यहाँ जो हूँ, एक कुछ लोगों का ये कथन है कि ये कबीर साहब की भी वाणी है, मिलती जुलती उनकी भी है, लेकिन मेरे पास जो पंक्तियाँ भी मौजूद हैं मैं उन्हें निश्चित तौर से नहीं कह सकती हूँ कि किसने लिखी, पर एक बात तो पक्की है कोई होगा लाल जिसने ऐसी प्यार भरी ज्ञान भरी सुंदर बात कह दी। मैं हूं लाल सरब मेरी लाली, मेरे लाल बिन कोई न खाली। अब यहां ईश्वर को भी लाल कह रहे हैं और स्वयं को भी लाल कह रहे, मैं भी उतना ही चैतन्य हूं जितना चैतन्य ईश्वर है, सब और वही वही सच्चिदानंद की लाली समाई हुई है। वाह स्वरूप की लाली। लाली शब्द का अर्थ अगर करें तो होगा तेज, लाली शब्द का अर्थ करें तो होगा चैतन्यता अस्ति अस्तित्व। प्रेम से इसको श्रवण करो। मैं हूँ लाल स
सचिदानंद रूप जो कहिए अपनी लाली में आप ही रहिए। मैं हूं सच्चिदानंद, तो इस सच्चिदानंद के भाव दशा में रहो, फिर देह ना बनो। ने ये कहा कि प्रयास करते हैं होश में रहने का पर फिर भूल जाते, प्रयास करते हैं होश सदी रहे, देह नहीं हूं ये स्मरण बना रहे, कुछ देर रहता है फिर निकल जाता है, कुछ देर रहता है फिर निकल जाता है, क्या करे। करना बस ये है, जितना समय होश टिकी रह गई मुबारक, जब होश बेहोशी में बदल जाए और जैसे ही पुनः आया ख्याल आया याद आई कह रहे तो भूल गए थे, बेहोश हो गए फिर से, फिक्र नहीं करो। जहां स्मरण आया वहीं से सूत्र को फिर पकड़ लो, पश्चाताप ना करो, इतने समय भूल गया, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो भूलना नहीं था, मुझको तो याद रखना था, मैं फिर भूल गया। नहीं, पश्चाताप, पश्चाताप से कोई लाभ होता नहीं। बहुत बार लोग ये कहते हैं ना पश्चाताप से बहुत लाभ होता है, मेरे देखे पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होता, बस पश्चाताप से दोबारा गलती करने का हम एक नया रास्ता खोल लेते हैं कि कोई बात नहीं गलती कर लेंगे, फिर पश्चाताप
कर लेंगे। जब जब कोई कहते ना माफी दे दो फिर नहीं करूंगा, कभी विश्वास नहीं करना उसकी बात का, वो फिर करेगा। तुम एक बार माफी दे दोगे उसको लगेगा ये दोबारा भी माफी दे देगा, ये तिबारा भी माफी दे देगा, ये चार बार भी माफी दे देगा। इसलिए आई एम सॉरी जैसा स्टूपिड वर्ड सेंटेंस और कोई हो नहीं सकता। तुम कहोगे लो जी वो तो कहते क्षमा मांग लेना पश्चाताप कर लेना तो बहुत अच्छी बात होती। अब जो ये बात कह रहे वो अपने लेवल की बात कह रहे, मैं अपने लेवल की बात कह रही हूं। मैं ये कहती हूं गलती करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए, गलती करके होश का सूत्र को पकड़ने की ये शिक्षा ले लेनी चाहिए। पश्चाताप मत करो, होश के सूत्र को वापिस पकड़ लो। जब जागे तभी सवेरा, जाग जाओ, सवेर सवेर हो गई तो जाग जाओ। ऐसा तो नहीं ना कि सवेर हो गई और तुम बिस्तर पर पड़े पड़े गीत गाने लग जाओ। जागो मोहन प्यारे जागो, और हो भी बिस्तर में ही, रजाई से मुंह बाहर नहीं निकाल रहे। गर्मी के दिन है तो एसी चल रहा, पंखे चल रहे, ठंड का मजा ले रहे, अलार्म बज गया, घर के सब लोग जग गए, सब ने कहा उठो उठो सुबह हो गई। हाँ जी उठे हुए हैं अभी बिस्तर में, ये तो धोखा है ना। बच्चे करते हैं, कई बार बड़े भी कर जाते हैं ऐसे, उठाओ उठे उठ गया मम्मी, मम्मी गई बाहर वो फिर सो गई, मम्मी घूम के अंदर है ओए तू उठा नहीं उठ स्कूल को देर हो जाएगी, बस उठ गया उठ जाएगा आंख मलेगा, माँ को लगता अब तो खड़ा हो गया, माँ गई वो फिर वापिस। तो फिर आखिरकार माँ को क्या करना पड़ता, वो पकड़ के बाथरूम में ले जाती, चल 10 मिनट बाद आई क्या देखा अभी तक बाथरूम से नहीं बाहर आया, क्या है वो अंदर सीट पे बैठा हुआ सो रहा। ये वेस्टर्न सीट आजकल फेवरेट मालूम इसीलिए हो रही, बहुत मजे से कुर्सी जैसा बैठ जाओ, हाथ धरो यूं, घर वाले समझेंगे कि टॉयलेट गया है फिर ना आएगा, ये नहीं पता वो वहीं बैठे सो रहा। फिर दरवाजे में पीटती उठ, कब तक पुकारना पड़ता है, कब तक माँ को पुकारना पड़ता है, जब तक वो देख न ले कि वो नहा के स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के बस्ता लेके उस तक रसोई घर में आ जावे। पर कई महान बच्चे ऐसे होते हो ना लिए दो लिए बस्ता उठा लिए तब भी। कल जब आरती में गए थे शाम को देखा ओ छोटे छोटे दो बच्चे, इतना शोर शराबा हो रहा है, जय गोविंदा इतना शोर हो रहा, और उस शोर में एक तो ऐसा कि वो शिव जमीन में लग गया उसका वही, और जो वो सीनियर होगा उनका वो उठ के आके वो जो तो बैठे बैठे सो रहा उसको कंधे से पकड़ो यूं यूं हिलाया, जैसे तुम लोग कपड़ा धोने के बाद थोड़ा इसे छानते हो ना सुखाने से, वो पकड़ के यूं छाना दिया उसको, तो वो आंख खोल कर देखते भी क्या है सोने नहीं देते है क्या, मैंने वो सब बेखबरी हो गई है क्या, आरती हो रही है हैं, कितने लोग बैठे हैं इतने शोर में सो रहा। कल तो अद्भुत दृश्य था, और जिसका सिर जमीन में टिक गया उसको वो अपनी तरफ से कह गया स्टैंड अप खड़ा हो जा तू, फिर उन्हें लगा अभी सामने गुरुमा बैठे वो क्या कहेंगे भी, बुरा लगता बाकी बच्चे बैठे एक को खड़ा कर दो, तो उसे उठा करके साइड में ही लिया। अब जब वो चल रहा था तो हम तो उसकी शक्ल देखे, उसकी शक्ल पे भी वही भाव बने हैं कि किया क्या मैंने, क्या किया मैंने, मुझे कहाँ उठा रहे हो वहां से। बट इट वॉज अ वेल कोरियोग्राफ्ड प्रोग्राम, द ओनली मिसिंग पॉइंट वॉज टू स्लीपिंग बॉयज। नींद में से बाहर आना मुश्किल, इस शरीर की नींद से बाहर आना मुश्किल है, तो ये तो तुम्हारे मन की नींद है, इस मन की नींद से सोच सकते हो, और ये माँ तो शायद क्षमा कर दे
कि थोड़ी देर उठाए फिर बाहर रसोई में चली जाए और फिर चली जाए और फिर उठाए और फिर बाहर चली जाए, कितना यतन प्रयत्न उसको करना पड़ता है। तो सदगुरु भी ऐसी ही एक माँ है, तुम बार बार सो जाते हो वो बार बार जगाता है, तुम बार बार सो जाते हो वो बार बार जगाता है, जाग। जीवन के धन्य को, जीवन के मूल्य को पहचान, भूल मत कर। इसीलिए गुरु को माँ भी पुकारा, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता। गुरु माँ भी है और गुरु पिता भी है। माँ की न्यायी करुणा और ममता और प्रेम से व्यवहार करती है, और पिता की न्यायी गुरु जो है वो कठोर भी, अनुशासित करने के लिए वो कठोर भी होगा। और गुरु दोनों ही गुणों वाला हो तभी बात पूरी होती है। माँ भी हो, पिता भी हो, मित्र भी हो, बंधु भी हो, मित्र भी है। अंग्रेजी की कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो जो हमको हमारे कष्ट के समय में काम आवे वही मित्र होता है। और तुम्हारे इस अज्ञान रूपी कष्ट में गुरु से बढ़ करके और कोई मित्र तो हो ही नहीं सकता। कौन छुड़ाएगा इस अज्ञान के शरीर के मोह पाश से, बताओ कौन छुड़ाएगा? कौन? ना तुम्हारे शरीर के जन्म देने वाले माँ पिता, ना भाई बंधु, ना परिवार, ना कुटुंब, कोई नहीं, कोई नहीं। देह के मोह पाश से, देह के भाव से उठाता तो मात्र गुरु का ज्ञान ही है, वही तो उठाए, और कौन उठाए? जो शंकराचार्य की मैं बात कह रही थी कि चंडाल ने कहा परे हट, परे हट। कहां से कह रहा परे हटने को? मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये भाव गहरा हो तभी कोई रूप क्रूप लगता है, कोई रूप नीच लगता है। पर एक दफे ये जान ले कि हर घड़े में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब है, माने हर मन में एक ही आत्मानंद का प्रतिबिंब है। इसी नाते कहा हम सब एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। तो जब जुड़े ही हुए हैं तो एक दूसरे से काटने की, लड़ने की, घृणा की जगह कहाँ? एक दूसरे की आंख में झांक के देखना, एक दूसरे के आंख में झांकना, एक दूसरे की आंखों में उतरना, क्या देखोगे? उसकी आंखों में तुम दिखोगे, तुम्हारी आंख में वो खुद को देख सकेगा। शायद इसीलिए लोग एक दूसरे से आंख मिलाते नहीं, आंख चुरा के भाग जाते, क्योंकि अगर देख लें तो सामने वाले की आंखों में अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा, और जब अपना ही प्रतिबिंब दिख जाए तो कैसे लड़ेगा फिर उससे, कैसे घृणा करे? राग द्वेष मैं मन हूं यह मानने पर ही लगता है, पर जिसने अपने आप को मन से डीअटैच किया, अलग किया, तो द्वेष और राग और लोभ और मोह, ए मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सभी बाहों से ऊंचा उठ जाता है। देखो अभी अभी जब तुम व्यवहार में उतरोगे तो किसी न किसी से, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सुन के बाद मन को पीड़ा हो गई, मन को दुख हो गया, तुम्हारे मन में मान लो बदले की भावना आ जावे, तो ये जो स्तोत्र तुम्हें दिए है ना, ये इसीलिए एक एक सबको दिया है कि इसे घर भी ले जाना और देखना, फिर भी देखना, फिर भी गाना इसको। तो जब गाओगे तो स्मरण आ जाएगा, जब मैं देह मन बुद्धि नहीं हूं। तो उसने जो कुछ कहा इस देह को कहा, मुझ तक तो उसकी गाली कोई पहुंची ही नहीं। दुख कब होता है? जब हम अपने आत्म भाव से नीचे उतर के देह भाव में आ जाते हैं, तब
मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, मैं अच्छा हूँ तू बुरा है, इस तरह के भेदभाव सारे देह के साथ जुड़ जाते, मैं मन हूँ ये मानते ही सब भेदभाव बन जाते, मेरा मान करना वो, मेरा कोई अपमान न करे, ये बचकानी बातों में घुस जाते। एक बार ऊंचे उठते ही देखो ऐसा, कभी तुम हवाई जहाज में सफर किया, हवाई जहाज में तुम जैसे जैसे जहाज ऊपर उठता जाता है तैसे तैसे जमीन के जो डिविजन्स हैं, भेद हैं, वो खत्म होते जाते। मतलब मान लीजिए आप दिल्ली से प्लेन लें, अब दिल्ली में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। अब दिल्ली में हर शहर में होता है, जैसे बॉम्बे में साउथ बॉम्बे और नॉर्थ बॉम्बे। कोई साउथ बॉम्बे वाले जो हैं वो अपने आप को धनी मानते हैं, सुशिक्षित संभ्रांत मानते हैं, इसी दक्षिण दिल्ली के रहने वाले लोग अपने आप को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। वो पूछो ना आप कहाँ से, हम साउथ से आए हैं, क्या कर रहा है, माने ये अदा मेरे ही सामने दिखा रहे हैं तो दूसरों की हालत क्या करते होंगे। ऐसे ही जब बम्बई में मैं गई तो पहले बार जब हम गए हैं तो जुहू में एक बंगले में मेरा रहने का इंतजाम किया था, तो वहीं मिलने का समय रखा भी, जिसको आना वहीं आ जाओ, बम्बई भी फैला हुआ शहर है तो एक ठिकाना एक समय तय कर दिया, जिसको आना हो सो आ जाए। समय निकल गया, इतने में फोन बजा, कहते जी हमको आना था पर हम देर हो गई है, मतलब हम आ रहे हैं मिलने। आ रहे हैं का क्या मतलब, अब तो समय खत्म हो गया, वो अपने कमरे में चले गए, दो घंटा वो बैठे रहे, आप तब क्यों नहीं आए। जी हम साउथ बॉम्बे में रहते हैं ना, तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल में तो नहीं रहते हो, साउथ बॉम्बे ही तो है। एक आदमी बम्बई घूमने गया, वापिस लौटा दिल्ली तो मित्रों से कहता है हम बम्बई में खूब ठाट से रहे। बोले कहाँ, बोले ताजमहल होटल में, गेटवे ऑफ इंडिया का बिल्कुल सामने। वाह भाई वाह, वहां तो 25,000 रुपये रोज का कमरा है, वहां रुका था। बोले बिल्कुल, कि तो वैसे उसके पीछे ही था एक होटल, वो 250 रुपये में मिल गया था, था तो ताजमहल होटल के साये में ही ना, दीवार एक बिल्कुल यूं एक। डाइसो वाले कमरे में रह के आए हैं ये कहने में शर्म लगती, ताजमहल में, हाँ छाती ठोक के कहता। डिविजन्स अर्थ की, स्टेटस की, प्रेस्टीज की, नौकरी की, धन की, मकान की, कितने भेदभाव होते। अच्छा तो अब तुम दिल्ली पालम में हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज टेक ऑफ किया, उड़े, जैसे ही ऊपर गए अब नीचे क्या देखो, एक धब्बा दिखता है, जस्ट अ पैच, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये जितनी डिविजन्स थी, बड़ी कोठी छोटी कोठी, डीडीए का फ्लैट, बड़ा फ्लैट छोटा फ्लैट, वो जो डिविजन्स थी वो सब डिविजन्स छुट्टी खत्म। जितना ऊंचा उठता जाता है आदमी, जमीन के भेदभाव उतने ही उसके टूट जाते हैं। ऐसे ही जब तक हम देह मैं हूं ऐसा ऐसा मानते हैं, इस भाव में रहते हैं, तब तक सब भेदभाव हैं। एक बार देह से ऊंचे उठे, चिदानंद भाव में आए, सब भेदभाव खत्म हो जाते हैं। घृणा नहीं करता है फिर किसी से, द्वेष नहीं करता है, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब विज्ञानमय कोश में घटित होने वाली घटना है, मनोमय कोश में घटित होने वाली घटना है। अधर्मी है तो कौन, मन। धर्म का संस्कार मिला किसको, मन को। अर्थ कमाना है, अर्थ के साथ ही जीवन यापन होगा, पैसा कमाना है,
ये ख्याल कहाँ है? तुम्हारे मन बुद्धि में। अब जो छोटा बच्चा है अभी उसको अर्थ का कोई ज्ञान नहीं। एक पिता ने एक हाथ में 100 रुपए का नोट रखा, दूसरे हाथ में चेंज चिल्लर रखा और पूछते, अच्छा बताओ क्या लोगे? एक चीज ले लो। क्या लोगे? दोनों हाथ ऐसे किए, ले लो एक चीज ले लो। तो उनने चिल्लर भी उठाई और 100 का नोट भी उठा। बोलते दो क्यों? बोले कागज में रखूंगा ना। ये थोड़ा 20 साल पुराना बच्चा होगा, आजकल का बच्चा नहीं है। पर आजकल का भी बच्चा हो, 6 महीने का हो, साल का हो, होता है ना बेटा हुआ हो तो लोग शगुन देते हैं, तो उन्हें 500 रुपए का नोट, वो बच्चा तो यूं पकड़ेगा नहीं ना, मम्मी देख लेती तो लपकती यूं। गांधी वाली अगर फोटो वाला अगर 1000 का नोट होता तो यूं लपकती। अब वो माँ का ध्यान उधर था तो शगुन देने वाले ने बच्चे के ऐसे ऊपर ही रख दिया। अब बच्चे का हाथ गया, उन्होंने नोट पकड़ा, अब वो मुंह में डाले उसी को खा रहा। जब तक मम्मी की दृष्टि पड़ती आधा नोट गायब। अर्थ है, धन है, ये कीमत का एहसास अभी बच्चे के मन बुद्धि में पहुंचा नहीं है। अर्थ की कीमत का ज्ञान किसको? थोड़ा विकसित हो जाए मनोमय विज्ञान में कोश, तब तो धर्म का अर्थ का काम कामना कामनाएं और काम वासना दोनों आ गया। काम काम का बोध किसको है? कामनाओं की दौड़ किसको है? मन बुद्धि में। और फिर अपनी ही कामनाओं की दौड़ से पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, कहता कब भगवान निकालोगे इस मुसीबत से, मुक्त करो मुझको, बंधन मुक्त करो। और फिर इस मेरी लाली नु ओही कोई पावे, सतगुर मिलन द पेद बतावे। फिर सतगुरु जो मिले तो उनने ज्ञान का तीर ऐसा चलाया, मन के सारे बंधन खोल दिए। मन के सारे बंधन खोलते ही कहते मुक्त हो गया। कौन मुक्त हुआ? आत्मा मुक्त हुआ। आत्मा बंधन में था ही कब? बंधन में तो प्रतिबिंब है, बंधन में तो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। जीवात्मा और आत्मा का फर्क समझ रहे हो ना? जहां मन बुद्धि मेरे संग जुड़ जाए तो मेरा ही नाम जीवात्मा है, और जब मैं अपने आप को मन बुद्धि से अलग करके देखता हूं तब मेरा ही नाम शुद्ध आत्मा है। Thank you.